यूपी लाइफलाइन के नाम से जानी जाने वाली गोला नदी में खनन कार्य ठप होने से जहां सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं इसे जुड़े हजारों लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं। इधर स्टोन क्रेशर संचालकों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इधर क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका के प्रयासों से शासन ने 12 लाख घन मीटर RBM निवासी की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं उक्त उप खनिज का आवंटन लाल कुआ व इमली घाट निकासी गेटों के लिए ना किए जाने के चलते यह गेट फिलहाल अस्थायी रूप से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इधर खनन से जुड़े वाहन स्वामी भवन चंद्र पांडे का कहना है कि नदी में RBM अधिक मात्रा में है, इसके बावजूद भी गेट बंद कर दिए जाने से उनके आगे बेरोजगारी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और सरकार अपनी आंखें मूंदे बैठी हुई है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही नदी के बंद गेटों को खोला नहीं गया तो पूरे क्षेत्र में उग्र आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पंत नगर एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य हेमंत नरुला ने सरकार पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है तथा कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे पूरा करके 2 से 3 में खनन निकासी का काम चालू कर दिया जाएगा। लालकुआ से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जुड़े हुए हैं और लगभग 1 लाख लोगों से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार जुड़ा हुआ है, परंतु सरकार की गलत नीति के कारण लोग फिर फिर कर मरने को मजबूर हैं, रोजी रोटी को मजबूर हैं। वैसे एक तो मार्केट में पूरी मंदी छाई हुई है, उसके बाद ये गोला बंद होने से लोग और भी रोजी रोटी को मोहताज हो गए हैं। यहाँ सैकड़ों मजदूर झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य जगह से यहाँ पर आके रोजगार के लिए आते हैं। वो लोग क्योंकि गोला एक हफ्ते इन्होंने बंद कर दिया इस टाइम, जबकि कह रहे हैं कि हम 12 लाख घन मीटर इनको अलग से इन्होंने बढ़ाने का आदेश दिया है, मगर उसके बाद भी वन विभाग और इनमें संबंधित होने के कारण गोला बंद कर दिया है। दूसरा लालकुआ गेट और इमली घाट गेट, इन्होंने बगैर सर्वे कराए इन्होंने कह दिया कि अगले सप्ताह इसमें खनन नहीं होगा। जो यहाँ के करीब 400 लोग डंपर मालिक हैं वो फिर बेरोजगार पड़े हैं। लोगों को इनके सरकार के हितों का लगातार आंदोलन पर विवश होना पड़ रहा है। सरकार एक तरफ तो कर्मचारी बैठे आंदोलन में, एक तरफ यहाँ लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। इन सरकार के बाबत भी कोई नीति है, न रोजगार की कोई नीति है, न बेरोजगार रोजगार दे रही है, और जो भी रोजगार मिल रहा है उसको भी छीनने का काम करे सरकार। कल 17 है, ऐसे में क्या गुण वहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा उठेगा ये वाला? अभी भी हम लोग विधायक जी से हमने मिले हैं और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, मगर कोई सुनवाई को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो लोग सड़कों पर उतर के सड़क इंतजाम करने को मजबूर होंगे। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इस बार कुछ हमारे माल कम आने की वजह से टारगेट जो थे कम थे, और अभी बहुत ही जल्दी संभावनाएं हो गई थी कि गोला बंद हो रही है, क्योंकि माल ही नहीं था वहाँ पे, जैसा कि वहाँ पे खनन हो रहा है। और अभी हमारे भी यहाँ सर्वे हुआ है, सर्वे के हिसाब से यहाँ पर कुछ 12,000 घन मीटर माल की अभी परमिशन अनुमति और दी गई है, और हो सकता है थोड़ी सी उसमें औपचारिकताएं कुछ बाकी रह गई हो। मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन में ये सारी औपचारिकताएं पूरी करके और बहुत जल्दी यहाँ पे खनन शुरू होने वाला है और होगा, ये काम चलेगा, क्योंकि यही हमारी लाइफ लाइन है, ये लालकुआ की लाइफ लाइन है। बहुत से लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और कहना चाहूँगा कि ये क्रेशर के व्यवसाय वाले लोगों के बारे में कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी समस्या इनकी भी है अपनी, ये अभी अपने जो ये इन्होंने अभी स्ट्राइक में गए हैं तो इनके साथ भी बैठ के वार्ता होगी, जो भी समस्याएं हैं उसको बैठ के हल किया जाएगा और काम सुचारू रूप से चलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.